नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियां आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले वो है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, पंचकर्म जिस नाम से निर्धारित है, पाँच प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ये जो पांच प्रकार के प्रोसेस पंचकर्मा होते हैं, ये शोधन चिकित्सा होते हैं, जिससे कि ये स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है और बीमार व्यक्ति भी करा सकता है। जो पांच प्रकार के पंचकर्म होते हैं, इसमें वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमुक्षण, ये पांच प्रकार की प्रक्रियाएँ शोधन चिकित्सा के अंतर्गत आती है, जिसको सर्विसिंग कह लें। ये चिकित्सक के माध्यम से आपके रोगों का आकलन करते हैं, या आप स्वस्थ हैं तो भी ये प्रक्रिया करा सकते हैं। लेकिन इन पांच कर्मों के अलावे, इन प्रक्रियाओं के अलावे, कुछ और भी प्रक्रियाएं पंचकर्म चिकित्सा में निहित हैं, की जाती हैं। उस प्रकार के जो पंचकर्म चिकित्सा है, उनको प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। प्रायोगिक यानी कि रोगों के हिसाब से, यानी कि आप किसी भी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उस डिसऑर्डर में, उस व्याधि में आपके लिए कौन सा पंचकर्मा उपयोगी है, पंचकर्म चिकित्सा कौन सी उपयोगी है, उनको प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, ये प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा है क्या, इसके बारे में जानने के लिए, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, प्रायोगिक पंचकर्मा यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो आपके रोग विशेष से संबंधित होती है। जैसे आप किसी भी व्याधि से ग्रसित हैं, उस व्याधि रूप में प्रयोग के तौर पर जो पंचकर्म कराए गए हैं, किए गए, जिनसे चिकित्सकों को लाभ मिला, आचार्यों को लाभ मिला, और उनका उल्लेख आयुर्वेद चिकित्सा में आता है, या नित नए और नए प्रयोग जो आयुर्वेद चिकित्सक कर रहे हैं पंचकर्म चिकित्सा में, ये सारे प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस रोग निवारण के उपाय के लिए प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल आता है, इसलिए इसको प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। जो रोगों के हिसाब से, अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग प्रक्रियाएँ कराई जाती हैं। तो दोस्तों, ये प्रायोगिक पंचकर्मा में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जो शोधन चिकित्सा होती है, उसमें अभ्यंग और स्वेदन यानी कि पूरे शरीर की मालिश और सेकाई की बात आती है। ये पंचकर्म के पूर्व पार्ट में आता है। उसमें किसी भी प्रक्रिया में हम आपको अभ्यंग और स्वेदन जरूर कराएंगे, यानी कि स्टीम वाष्प देंगे, पूरे शरीर की मालिश अभ्यंग कराएंगे, तो ये भी प्रायोगिक चिकित्सा में आता है और शोधन चिकित्सा में भी आता है। तो अभ्यंग और स्वेदन, अगर आप किसी एक पार्ट से, किसी एक पार्ट के पेन से परेशान, से घुटने की गठिया है, या कमर लंबर स्पॉन्डिलोसिस से, सर्वाइकल से ग्रसित हैं, या पूरे स्पाइन से ही ग्रसित हैं, ऐसी अवस्था में जो पर्टिकुलर पार्ट पे, यानी कि अगर घुटने की गठिया है आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऐसे में उस घुटने की जो गठिया की चिकित्सा होती है, ये पंचकर्म चिकित्सा में होती है। तो उस प्रकार के घुटने की गठिया में आप एकांग अभ्यंग स्वेदन, यानी कि उस एक स्थान पर, जैसे सर्वाइकल के, तो उस स्थान मालिश करके और फिर स्टीम बाथ से, यानी कि काढ़े के भाप से उसकी सिकाई करते हैं, तो ये प्रायोगिक पंचकर्मा में आता है। अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, पूरा आपका स्पाइन ग्रसित है, ऐसे में उस पर्टिकुलर प्लेस का अभ्यंग करके वहाँ पे स्टीम दिया जाता है उस स्थान पे, तो इसको एकांग अभ्यंग स्वेदन करते हैं। कुछ अलग चिकित्सा होती है, जैसे कि कटिबस्थि हो गया, अगर आपका लंबर स्पॉन्डिलोसिस से नीचे बैकेक है, स्लिप डिस्क है, ऐसी अवस्था में उस पर्टिकुलर प्लेस में घेरा बना कर और औषधि सिद्ध तेल का उसमें गुनगुना करके उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसको कटिबस्थि कहते हैं। अगर ग्रीवा पे लगाएं तो उसको ग्रीवावस्थि कहते हैं। अगर घुटने वाली गठिया है तो वहाँ पे उस प्रकार की जानुवस्थि उसको बोलते हैं। अगर उरु यानी कि हृदय और लंग्स से संबंधित समस्या है तो उरुवस्थि उसको कहते हैं। तो ये प्रायोगिक पंचकर्मा में आता है, यानी पर्टिकुलर उस प्लेस पर उस प्रकार के कर्म किए जाएँ जिससे आपको उस रोग विशेष में फ़ायदा हो। दूसरा है दोस्तों, अगर आप सिरो रोग से परेशान हैं, अगर हेडेक है, हाइपरटेंशन है, बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, माइग्रेन वाली समस्याएं हैं, ऐसी अवस्था में जो सिर की चिकित्सा होती है वो है शिरोधारा। आप देखे भी होंगे अधिकतर सेंटरों पे, या अधिकतर आप इंटरनेट का ज़माना है, आप उसमें पंचकर्मा टाइप करके देख सकते हैं, इस पर धारा गिराई जाती है। वो औषधि सिद्ध तेल काढ़ा से या औषधि के स्वरस से भी धारा गिराई जाती है। वो चिकित्सक तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी उपयोगी चिकित्सा होगी। तो इस पर धारा गिराई जाती है, लगभग 30 से 45 मिनट तक ये प्रक्रिया होती है। ये चिकित्सक तय करेंगे कि आपका एक दिन प्रक्रिया होगी, एक हफ्ते होगी, या 10 दिन होगी, या 21 दिन की प्रक्रिया होगी। फिर एक दूसरी चिकित्सा आती है सिरोवस्थि, उसमें ऐसे गोला बना करके औषधि सिद्ध तेल काढ़ा या चूर्ण
या उसके सोरस का या उसके लेप का भर दिया जाता है, आपके मस्तिष्क पे डाल दिया जाता है, उसको शिरोवस्थि बोलती है। प्रायोगिक पंचकर्मा के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों प्रायोगिक पंचकर्मा एक पृच्छिल बोलते हैं, पृच्छिल का अर्थ होता है कि पूरे शरीर पर तेल धारा, खासतौर से एक अंग वाला जैसे पैरालाइज वगैरह पेशेंट है तो उसमें उसके पूरे शरीर पे तेल धारा, यानी कि तेल से ही औषधि से जो तेल से स्नान कराया जाता है, वो तेल को निरंतर गुनगुना करते हुए 40 से 50 मिनट तक उस प्रक्रिया को निरंतर किया जाता है। ये भी प्रायोगिक पंचकर्मा है। फिर दोस्तों दुग्ध धारा भी की जाती है, जिसमें दुग्ध से अगर वर्ण प्रसादन करना शरीर में रुचता आ गई है तो दूध से आपके पूरे शरीर को 4-5 लीटर जो भी दूध लगते हैं उसको गुनगुना करके आपके शरीर पे एक साथ नहलाया जाता है एक तरह से दूध से। ये चिकित्सा आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा है। अगर पुराने युग में देखा जाए, पुराने युग में जमाने में जो भी राजा महाराजा और इस प्रकार के नगर के लोग रहते थे, ये पंचकर्म चिकित्सा उन्हीं तक सीमित थी। इसलिए जनमानस में आधुनिक जनमानस में लोगों तक ये चिकित्सा नहीं पहुँच पाई। लेकिन दोस्तों आज के इस युग में ये चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर टॉक्सिसिटी इतनी है शरीर में आपके कि उन दोषों को शरीर से बाहर निकालना वो पंचकर्म चिकित्सा द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए इस युग में ये चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा है, फिर एक चिकित्सा आती है साले सष्टिक पिंड से साठी चावल और दूध और काढ़े का उसके पका करके और उसकी पोटली बना के आपके पूरे शरीर की सिकाई होती है, मस्कुलर डिस्ट्राफी वगैरह, या आप चलने में असमर्थ है, ताकत नहीं लग रही है, बल नहीं लग रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, नर्वस सिस्टम से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में साले सष्टिक पिंड स्वेद कराया जाता है। फिर इसी में एक दूसरी प्रक्रिया होती है पत्र पिंड स्वेद, उसमें अगर आप स्लिप डिस्क के परेशान हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइटिक नर्व कंप्लेन कर रहा है या गठिया वगैरह से पीड़ित हैं, ऐसी अवस्था में स्पॉन्डिलो सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलोसिस से ग्रसित हैं, जहाँ पर डिस्क बल्ज है आपका कंप्रेस कर रहा है, ऐसी स्थिति में पत्र पिंड स्वेद यानी कि कुछ औषधियों के पत्तों का पका करके औषधि चूर्ण के साथ मिला करके उसकी एक पोटली तैयार करके आपके पूरे शरीर की उस पोटली से सिकाई की जाती है, इसको पत्रपिंड स्वेद कहते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो चिकित्सक आपके रोगों का आकलन करके उस प्रकार के चिकित्सा का कर सकते हैं, चिकित्सा का कर्म कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रायोगिक पंचकर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है रोगों के हिसाब से। तो अगर कुछ ऐसे विकार हैं जो आपको निरंतर किसी प्रकार की औषधि, चाहे वो किसी पैथिक अंग्रेजी हो, आयुर्वेदिक हो, पैथिक हो, यूनानी, आप किसी भी चिकित्सा पद्धति में अपनी चिकित्सा करा रहे हैं, उसके साथ आप पंचकर्म चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। आप खुद जज करेंगे कि वही औषधियाँ पंचकर्म चिकित्सा कराने के बाद कितनी यूजफुल काम करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी कम हो जाती है और आपका शरीर सपोर्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब तक शरीर सपोर्ट नहीं करेगा आपका वो रोग आपके शरीर से पूरी तरह से जाएगा नहीं। इसलिए दोस्तों आप अपने रोग के अगर किसी प्रकार की पैथी से चिकित्सा करा रहे हैं तो भी आप पंचकर्म चिकित्सा करा सकते हैं। आप अपने नज़दीक में आयुर्वेद चिकित्सक, जहाँ पे पंचकर्म सेंटर हो, पंचकर्म चिकित्सा होती हो, उनसे मिलें और अपने रोगों के बारे में उनसे चर्चा करें और उसके आधार पर चिकित्सक चयन करेंगे कि आपके लिए कौन सी चिकित्सा यूजफुल रहती है, तब वो चिकित्सा करते हैं। अगर प्रायोगिक चिकित्सा में नेत्र की चिकित्सा होती है, उसको नेत्र तर्पण कहते हैं, ऐसे घेरा बना के औषधि से तेल घृत क्वाथ स्वरस आँखों में डाल के नेत्र की चिकित्सा होती है, उस प्रकार के कान की चिकित्सा होती है, कर्णपूरण उसको बोलते हैं, गले की चिकित्सा भी होती है, सब प्रायोगिक पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं जो अलग अलग दोषों के हिसाब से किए जाते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं जो प्रायोगिक पंचकर्मा में आती हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों पंचकर्म केवल 3 ही 4 5 प्रक्रियाओं से निर्धारित नहीं है, वो पंचकर्मा शोधन चिकित्सा है, ये पंचकर्मा प्रायोगिक पंचकर्मा है और सबसे बहुत बड़ी ब्रांच है पंचकर्म चिकित्सा की। आप अगर दक्षिण भारत के अगर आप हैं तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ मेट्रो सिटी में अच्छी प्रक्रियाएँ हो रही हैं। तो ये पंचकर्म चिकित्सा जो है दोस्तों, अगर जैसे एक नेचुरोपैथी में भी कुछ चिकित्सा होती है लेकिन वो टोटली औषधि से नहीं होती है और पूरे शरीर की टॉक्सिसिटी नहीं निकल सकती है। कुछ स्पा वगैरह सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे केवल अभ्यंग शोधन और कुछ इस प्रकार के मॉडर्नाइज प्रोसेस किया जा रहा है, वो पंचकर्म चिकित्सा नहीं है। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद के चिकित्सक के अंडर में ही होनी चाहिए, जो शरीर का शोधन करती है और आपके डिजीज के हिसाब से प्रक्रियाएँ होती हैं। स्पा वगैरह में पंचकर्म चिकित्सा नहीं हो सकती है, ना वहाँ पर कराई जा सकती है। ये टोटल शोधन चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सक के माध्यम से आयुर्वेद औषधियों के द्वारा ही
पॉसिबल हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप अगर किसी रोग से ग्रसित हैं या स्वस्थ हैं तो भी आप पंचकर्म चिकित्सा भी चीज में कराएं ताकि आप फिट रहें, लंबे समय तक आपकी औसत आयु बढ़े, औसत आयु बढ़े और आप फिट रहें। तो दोस्तों आज का जो विषय था प्रायोगिक पंचकर्मा के बारे में, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।